Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. एक नई वीडियो जीएस की लुक भाई, पहले लुक अच्छी सी जगह पे, छोटा सा दरख्त बैकग्राउंड में आए और हम आपको लुक दिखाएं। ये लोग के व्यूस ये आप देख रहे हैं और मौसम काफ़ी चेंज हो गया, यानी खाली शर्ट में मैं हूँ और ऑब्वियसली ऊपर अभी कुछ पहना नहीं जा सकता और सेफ्टी जैकेट इसलिए अभी नहीं पहनी कि ऑब्वियसली मैं अपने वर्क प्लेस पे था और शॉर्ट ये डिस्टेंस जो कि ऑब्वियसली लॉन्ग अगर कहीं जाएं या कोई अदर देन वर्क तो फिर मैं वो पहनता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हेलमेट की तो बात ही नहीं, मैं तो सेफ्टी ग्लव्स के बगैर भी आई डोंट राइड। बाइक चल गई है 5301 किलोमीटर्स और अभी तक ठीक जा रही है। ऑब्वियसली ये तो किलोमीटर ही कुछ नहीं है, मतलब असल तो पता चलता है कि बाइक चल रही कुछ 20,000 किलोमीटर चले तो उसके बाद फिर बंदा प्रॉपर रिव्यू तो व्यूअर्स वही होता है ना। अभी ब्रांड न्यू बाइक 2-3-4 हज़ार चला के तो वो तो मेरा ख्याल है चाइना 70 भी ले लें तो वो कुछ भी नहीं कहेगी, बिल्कुल असल बात 20 के बाद की है, ये सारे समझ सकते हैं इसको। तो खैर जहाँ तक जीएस की बात चलती है, लेकिन बात फिर वही आ गई कि जी मेरा अपना एक्सपीरियंस इसका वो शेयर करना, मैंने जो आपसे मैं कर रहा हूँ करूँगा साथ साथ और जहाँ मौका लगेगा कोई पहाड़ का भी शेयर कर दूँगा। अभी तक पहाड़ पे मैं नहीं लेके गया हूँ इस बाइक को। हाँ पीछे जो मैंने बताया था कि एक वो गियर लगा के चलाने में आवाज़ आती है वो है इसकी, जिसको मैं पिछले दिनों समझ रहा था कि शायद चेन लूज़ है। चेन मैंने चेक करवाया लेकिन चेन वॉज ओके बिल्कुल। अब उसका कईयों ने बताया जी कि उसमें रबर डाल जाती है, लेकिन फिर कई कहते हैं कि नहीं एलॉय रिम वाली बाइक पे वो ट्राई ना करना, वरना एलॉय रिम या ड्रम या कोई ख़राब हो सकता है, क्रैक हो सकता है। अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ज़रूर मुझसे शेयर करें, मुझे कमेंट से काफ़ी पता चलता है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और हेल्पफुल होती है दूसरों के लिए भी, और मैं अपने वीडियोस में भी फिर उससे रिलेटेड जिक्र कर देता हूँ। ओके इधर से मैं हो जाता हूँ लेफ्ट। अच्छा बाकी अच्छा एक और जो मैंने जैसे सुबह लेके निकलते मैंने पहले भी बताया था कि उस वक्त ब्रेक ज़रा ची ची करती है, लेकिन जब थोड़ी चलाते हैं ब्रेक जब थोड़ी लगती है उसके बाद वो ठीक हो जाती है, ये डेली बेसिस पे यूँ है। सस्पेंशन ठीक है, वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि जी आप पिछले शॉक्स में करूँगा एडजस्ट, वो आपसे शेयर करूँगा, वो बताऊँगा मैं कि कैसा फील हो रहा है, वो मैं मिड में ही कर दूँगा, बस मिड में करके और बस, क्योंकि कोई भी बाइक जब यह आती है तो डिफ़ॉल्ट जो उसकी पोजीशन होती है शॉक्स की वो मिड ही होती है, चाहे वाई बी आर हो वाई बी जी हो उनका ऐसे ही होता है। और मौसम वाकई आजकल का बड़ा आइडियल है, लेकिन ये है कि अब
रोज़े भी स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब दो दो चीज़ें, रमज़ान प्लस लॉकडाउन, तो टूर तो नहीं हो सकता, और अगर हो भी कोई छोटा मोटा वैसे ही तो वो यही हो सकता है कि बंदा साथ कुछ रख ले अफ्तारी या सहरी के बाद, कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि दरमियान वाला तो फिर छोटा मोटा ही हो सकता है वो। हालांकि मौसम ऐसा है कि कोई इतना वो नहीं है कि रोज़े में कोई कहे कि जी नहीं वो छोटी मोटी राइड नहीं रखी जा सकती, रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, अच्छा जब आपके पास हो ना पावर वाली बाइक फिर आपको कोई ये है कि टेंशन नहीं होती। बाकी ये कि जीएस सेटिंग मांगती है, यानी अगर ब्रांड न्यू भी निकलवाएं या कोई भी तो आपको उसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा, और लॉन्ग पे भी जा रहे हैं तो आपको ये आप भूलें कि टूल्स के बगैर आपको समझ होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि ख़रीदते ही आप लॉन्ग पे जाएं, नहीं, जीएस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट इस तरह के जो CG125 है या CD70, ये एक ही टाइप की चीज़ है, एक ही तरह इनके चेन टाइट होगी, क्लच का ये वो चीज़ें, मतलब वो मैकेनिक भी आम है, इसको थोड़ा रख के आपको समझना पड़ेगा। ऑयल फिल्टर भी जैसे डलता है बंदा वो समझ ले, लॉन्ग पे जा रहे हैं एक आध ऑयल फिल्टर खुद, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर दफ़ा ख़ुद चेंज हो, वो चेंज करेंगे, ऑयल का नट करेंगे, एयर क्लीनर साफ़ करेंगे, एलिमेंट, इस तरह की बंदा जब चीज़ें खुद करता है तो फिर उसको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कोई मसला आया तो मैं किस तरह सेट करूँगा, थोड़ा कार्बोरेटर को समझ ले इसके, थोड़ा ये देख ले कि कोई फ्यूज़ है तो वो कहाँ है, फ्यूज़ बॉक्स हैं, अगर वो सीट के नीचे हैं तो वो आपके पास टूल्स होने चाहिए सीट खोलने के लिए, इस तरह की चीज़ें जब तक समझ ना आए तो बंदा मैं कहता हूँ कि बहुत जो लॉन्ग टूर कहते हैं उस पर ना जाए, मतलब आपके अगर ग्रुप में मतलब एक समझने वाला ज़रूर होना चाहिए तो फिर कन्वीनियंट है आपके लिए। यानी अक्सर मैंने देखी कि उनमें जो भी राइड करते हैं ग्रुप उसमें एक बंदा प्रॉपर मैकेनिक जब तक ना हो तो सुखी नहीं होता, और पंचर लगाना सीखना चाहिए, क्योंकि अब एक अगर बंदा लगाना जानता तो अब ये तो नहीं कि ज़रूरी कि वो हर वक्त आपके साथ ही हो, तो वो किट वगैरह बंदा कर ले पंचर जाने, अब वो चाहे ट्यूबलेस का है या दूसरे का, आना चाहिए आपको कि टायर ये नो कि टायर ही आपने वो अंदर ट्यूब काट दी है सारी, जब तक कि उसके प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे उसको जो प्रॉपरली उसको रेम में से निकालें, और ये ज़ाहिर है अलॉय रिम थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होता है। व्यूअर्स ये थी छोटी छोटी बातें कुछ जो मैं जीएस से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके साथ ही अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।